SRM टुडे शहर की आवाज। मंदसौर यातायात पुलिस द्वारा चलाए जा रहे चेकिंग अभियान में यातायात के नियमों का पालन नहीं करने वाले चालकों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान नीमच पुलिस आरक्षक जो बिना नंबर प्लेट के चार पहिया वाहन में घूम रहे थे उन पर भी कार्रवाई की गई, जिसके कारण कार्रवाई करने वाले पुलिस अधिकारी के साथ आरक्षक ने अभद्रता भी की। यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए मंदसौर यातायात पुलिस द्वारा लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें यातायात के नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों पर चालनी कार्रवाई कर समझाइश दी जा रही है। इस चेकिंग के चलते पुलिस द्वारा समांतर रूप से कार्रवाई की गई, जिसका उदाहरण बिना नंबर प्लेट के चार पहिया वाहन में घूम रहे नीमच के पुलिस आरक्षक पर की गई चालानी कार्रवाई को देखकर मिला। वीडियो में जो आप ये कार देख रहे हैं, ये कार उन पुलिस आरक्षक की है जो नीमच में आम जनता को यातायात के नियमों का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन खुद ही इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में यातायात पुलिस अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि आरक्षक के चार पहिया वाहन में नंबर प्लेट नहीं थी, इसीलिए जब कार्रवाई की बात कही गई तो आरक्षक द्वारा इनके साथ अभद्रता की गई। ये नंबर प्लेट से संबंधित है, नंबर प्लेट जो क्षतिग्रस्त है, जो लोग मोबाइल पे वाहन चलाते समय बात कर रहे हैं उनके विरुद्ध हो रही कार्रवाई, और नंबर प्लेट उन्होंने अपडेट नहीं कर रखी है या बिना नंबर प्लेट के कई वाहन घूम रहे हैं शहर में, उनके विरुद्ध कार्रवाई का आज का हमारा लक्ष्य तो हम पूरा कर रहे हैं। सर, यहाँ पर पुलिसकर्मियों की भी चालानी कार्रवाई की जा रही है? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, वो आम जनता से कुछ अलग नहीं है। जैसा भी वाहन हमको मिल रहे हैं, जो भी हमारे नज़र में आ रहे हैं, हम उनको सबको कार्रवाई के दायरे में लेकर काम कर रहे हैं। तो बहस भी हुई थी, नोकझोंक हुई? हाँ, वो आरक्षक के हैं कि यातायात थाना नीमच में पदस्थ हैं, तो स्विफ्ट गाड़ी थी उनकी, नंबर प्लेट नहीं थी, और पिछले चार महीने से बिना नंबर प्लेट के घूम रहे हैं। जब उनको इस संबंध में उनसे पूछा गया तो वो आवेश में आ गए कि आप पूछताछ मत करिए, आपको अगर कार्रवाई करना है तो आप चालान बनाइए, लेकिन जो है आपको पूछताछ मत करिए, ऐसा आवेश में आके और अभद्रतापूर्वक तरीके से उन्होंने बोला। तो उनको हमने यातायात थाना में भिजवाया है आगे की कार्रवाई के लिए, और इस संबंध में यातायात प्रभारी को सूचित कर दिया। बिल्कुल की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी, इसीलिए आगे कार्रवाई के लिए उनको यातायात थाना में। वहीं नीमच पुलिस आरक्षक का कहना है कि मेरे द्वारा कोई अभद्रता नहीं की गई, चालानी कार्रवाई के लिए वाहन को मेरे द्वारा थाने ले जाया जा रहा है। किस बात को लेकर विवाद हुआ आपका यहाँ पर? नहीं, विवाद नहीं हुआ है, वो गाड़ी नहीं है तो उसमें क्या है, नंबर नहीं है। हाँ, उस नंबर नहीं लेने को लेकर सर ने बोला है कि यार चालान बनवा लो, तो जैसा सर आदेश करे वैसा मैं चालान बनवा। बदतमीजी भी की गई आपके द्वारा, इनका कहना है अधिकारियों का? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। कहाँ पदस्थ है आप? नीमच। क्या नाम है आपका? भानु प्रताप। क्या कुछ बोलचाल भी हुई होगी आपके पास? अरे नहीं नहीं, सर ने बोला है कि चालान बनवा लो, मेरे पास श्रीमान नई गाड़ी है, तो बोले कि नहीं चालान तो सबके जैसे रूल सबके लिए है, तो चालान बनना चाहिए। मैं इस बात को गलती को एक्सेप्ट करता हूँ, नंबर ठीक है, गाड़ी नहीं है, फिर भी नंबर मेरे को लगवाने चाहिए और चालान बनवाना। क्या लगता है, आप खुद ही नियम लोगों को पालन करवाते हो, क्या लगता है आप ही पालन क्यों नहीं करते हो? नहीं सर, गाड़ी नहीं है, गाड़ी नहीं है। तो अभी कहाँ गाड़ी ले जा रहा है यातायात प्रभारी का? नहीं, मैं यातायात थाने पे, जैसे सर ने आदेश किया, मैं थाने पे लेके चालान। संवाददाता विपिन चौहान के साथ SRM टुडे मंदसौर। SRM टुडे शहर की आवाज़।